कुछ टूटा था, मुझे पता नहीं मार्बल टूटा कि क्या टूटा, कुछ तो टूटा था। रेस्ट इन पीस नोट 11। रिमेम्बर गाइज, टाटा नैनो क्यों फेल हुई थी? इवन रतन टाटा ने खुद एक्नॉलेज किया था जब उसके साथ एक चीपेस्ट टैग लगा दिया गया था, लाइक चीपेस्ट कार इन द वर्ल्ड। आई थिंक चीपेस्ट के बजाय अफोर्डेबल कहना मोस्ट सुटेबल टर्म था, रतन टाटा इटसेल्फ सेड। सेम ईयर, मैं इसको चीपेस्ट स्मार्टफोन नहीं कहूँगा, इज द मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन राइट नाउ, जिसमें आपको फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। चलिए देखते हैं गाइस कि ये फ़ोन कैसा है, बिल्ड क्वालिटी चेक करते हैं, मटेरियल क्या क्या यूज़ किया है, कंस्ट्रक्शन कैसा है। इनिशियली हम 5 मिनट्स का यहाँ पे स्प्लैश टेस्ट परफॉर्म करते हैं एंड यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 50 लीटर्स ऑफ वाटर है और ये गया फोन। आई थिंक लेट्स ड्रॉप इट दिस वे। आई एम श्योर शायद यहाँ पे कैमरा ऑन होगा। अप्रॉक्सीमेटली 50 लीटर वाटर्स में हम टेस्ट करते हैं क्या फोन में कुछ इशू है कि नहीं है। ओके, 1 मिनट 14 सेकेंड, 2 मिनट्स, 3 मिनट 10 सेकेंड, 4 मिनट 6 सेकेंड, और राइट 5 मिनट हो गए। चलिए फोन को बाहर निकालते हैं। मुझे लगा रिकॉर्डिंग बंद हो गई, लेकिन एक्चुअली में रिकॉर्डिंग काम कर रही है। क्या लगता है फोन के अंदर लिक्विड गया होगा? आई थिंक गया होगा, बिकॉज यू नो बजट फोन्स में मोस्टली ऐसा होता है। लेट्स सी। बहुत छोटा सा यहाँ पे टाइनी सा वाटर ड्रॉप है। काफ़ी ढेर सारे लिक्विड के ड्रॉपलेट्स इस फ़ोन के अंदर से निकले हैं, दैट मींस लिक्विड तो अंदर गया है। अब कोई गारंटी नहीं है कि फ़ोन में डैमेज इंस्टेंटली हो जाएगा, मे बी हो भी सकता है, मे बी नहीं भी हो सकता है। सो जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा आने वाले दिनों में, या टिल द ड्रॉप टेस्ट। प्लास्टिक का फ्रेम है, उसके ऊपर एक पेंट जॉब है जैसा कि बैक पैनल पे है। बैक पैनल पे यहाँ पे प्लास्टिक का दिया गया है, यहाँ पे भी स्क्रैचेस लग सकते हैं। इनफिनिक्स की ब्रांडिंग इस पैनल के इनसाइड से है। वॉल्यूम बटन प्लास्टिक के हैं, क्या ये बाहर आते हैं? नो। फिंगरप्रिंट सेंसर, एक पावर बटन, क्या हैवी स्क्रैचेस करने के बाद भी फिंगरप्रिंट वर्क करेगा? यस। अबाउट दी कैमरा मॉड्यूल, आई होप यहाँ पे भी प्लास्टिक होना चाहिए। यस, और एक्चुअली ये काफ़ी ईजली प्रेस भी हो जा रहा है यहाँ पे। कैमरे ग्लास के अराउंड जो रिंग है वो एल्युमिनियम की है और उसके ऊपर एक पेंट जॉब है। LED फ्लैश का सेपरेट कटआउट है इस प्लास्टिक मॉड्यूल में। ईयरपीस ग्रिल, ये हार्ड प्लास्टिक की बनी हुई है बट बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, चांसेस हैं कि ये डैमेज हो सकता है कीज एंड कॉइन से। सिम ट्रे यहाँ पे भी हाइब्रिड डिज़ाइन है, प्लास्टिक मेड है और इनसाइड मेटल है। काफ़ी लंबा सिम ट्रे है, क्या एक्सीडेंटली बेंड करने से ये टूटेगा? सिम ट्रे की क्वालिटी भी इम्प्रूव दिख रही है एंड ये प्रॉपरली वर्क भी करना चाहिए। अबाउट दी ग्लास क्वालिटी, इन्फिनिक्स नोट 11 में NEG डायनोरेक्स ग्लास यूज़ किया गया है। कॉम्प्लेक्स है नहीं, हमने पहले भी देखा है, ये ग्लास ठीक ठाक है। स्क्वेच के टर्म्स में हमें रिजल्ट वैसा ही मिलता है जैसा कि कॉर्निंग ग्लास में, दैट मीन्स अप टू लेवल 5 यहाँ पे कोई स्क्रैच नहीं है। लेवल 6 पे माइनर है और 7 पे डीपर स्क्रैचेस हैं, दैट मीन्स स्टैंडर्ड मेटल ऑब्जेक्ट जो भी आपके डिस्प्ले के कॉन्टैक्ट में आते हैं लाइक स्टील, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, निकल एक्सेट्रा, इन सभी से डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच नहीं पड़ेगा इंक्लूडिंग ग्लास पार्टिकल्स, बट यस डस्ट एंड सैंड से आसानी से स्क्रैच पड़ सकते हैं।
रियर साइड में जो मेन कैमरा सेंसर है उसका ग्लास काफ़ी बड़ा है, चांसेस ये भी है कि यहाँ पे भी स्क्रैच पड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी सिमिलर ग्लास यूज़ किया गया है। जो फ्रंट में यहाँ पे भी अप टू लेवल 5 पे कोई स्क्रैच नहीं है, N6 N7 पे माइनर एंड डीपर स्क्रैचेस हैं। टाइम फॉर दी बेंट इस, क्या इस अफोर्डेबल एमोलेड डिस्प्ले फ़ोन में कोई भी स्ट्रक्चरल वीकनेस है कि नहीं है, चलिए फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट हम स्क्रीन साइड से बेंट करते हैं, हियर वी गो, 3 2 1। फ़ोन में फ्लेक्स तो काफ़ी आया है और एक परमानेंट सा बेंट हो भी चुका है, बट सैडली हम पिंग पोंग नहीं खेल पा रहे हैं जैसा हमने अदर फोन के साथ प्ले किया था। यहाँ पे बहुत ही मिनिमल सा परमानेंट फ्लेक्स है। लेट्स सी, रियर साइड से बेंट करते हैं, 3 2 1। सो फॉर इन टर्म्स ऑफ बेंड एज सच कुछ यहाँ पे मेजर फ्लॉ नज़र नहीं आया है। अभी तक तो फ़ोन का कंस्ट्रक्शन काफ़ी इंप्रेसिव निकला है। टाइम फॉर दी ड्रॉप टेस्ट एंड फोन अभी भी प्रॉपरली वर्किंग है, एज सच कुछ भी यहाँ पे इशू नज़र नहीं आई। 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं लिक्विड टेस्ट परफॉर्म किए हुए और परफेक्टली फ़ोन ओके है। तो चलिए हम ड्रॉप टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 फीट हाइट से ऑन द मार्बल फ्लोर, 3 2 1। फ़ोन का वेट अप्रॉक्सीमेटली 184 ग्राम है, तो चांसेस है कि फ़ोन बच सकता है। और यहाँ पे एनईजी डायनोरेक्स ग्लास है एंड होपफुली अच्छा निकले। इन द पास्ट हमने सेम ग्लास भी ट्राई किया है, आई बिलीव इन्फिनिक्स नोट 10 था, काफ़ी बिग डिस्प्ले के बाद भी सेम ग्लास होने के बाद भी फ़ोन ओके था। अभी तक तो फ़ोन बढ़िया जा रहा है, कोई इशू आ नहीं रही है। तो जस्ट मैं रैंडमली डिफरेंट एंगल से ड्रॉप कर रहा हूँ इन केस कहीं से कुछ होना होगा तो वो नज़र आ जाएगा। सीम्स गुड, नो प्रॉब्लम, यप अभी भी ओके है, नो सच प्रॉब्लम। हाइट इंक्रीज करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 5.5 फीट से ड्रॉप करते हैं, हियर वी गो, 3 2 1। लगता है टूटा, काफ़ी मेजर इम्पैक्ट हुआ था बट कुछ हुआ नहीं, एक्चुअली इस कॉर्नर से इम्पैक्ट हुआ था। कैमरे के साइड से ड्रॉप करते हैं, सो इस फोन का डिस्प्ले शॉक से डेड हो चुका है। फ्रंट डिस्प्ले अभी भी ओके, आई मीन जो फ्रंट ग्लास की प्रोटेक्शन दी गई है वो ओके है, वहाँ पे कोई भी एज सच फिजिकल क्रैक्स नहीं है। जो डैमेज हुआ है वो इनसाइड हुआ है। एक पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि अगर जो एमोलेड डिस्प्ले थोड़ी सी लोअर ग्रेड का यूज़ किया गया, आई थिंक सो ऐसा होता है, यू नो, जो क्योंकि प्रीमियम फोन्स के हम डिस्प्ले जब ड्रॉप करते हैं तो वो शॉक से नहीं डेड होते हैं, ज़्यादातर केसेस में आता होता है ऐसा होता है, लेकिन जो बजट फोन्स होते हैं वहाँ पर ऐसा होता है। तो चलिए ड्रॉप को प्रोसीड करते हैं, लेट्स सी कि फ्रंट डिस्प्ले क्रैक होता है कि नहीं होता है। थोड़े से और वियर सी लाइन आ चुकी है एंड फाइनल ड्रॉप टेस्ट, कंडीशन सेम रहेगी। अब फ्रंट स्क्रीन ओके है, प्रोबेबली जिस कंपनी का डिस्प्ले यूज किया गया है शायद वहां पे थॉरली टेस्ट नहीं किया गया होगा। सो दैट्स इट गाइस फॉर द इन्फिनिक्स नोट 11।